नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। भारत में मंगलवार यानी 15 अगस्त को 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इससे पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के सांसद संजय राउत का कहना है कि अगर आगामी लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हरा सकती है। देश जब आजादी का जश्न मनाने के तैयार है तब भारत चीन के बॉर्डर पर हलचल तेज है। 14 अगस्त एक अहम दिन है क्योंकि भारत चीन के बीच सोमवार को चुशुन बोल्दो में 19वें दौर की बातचीत होनी है। एनसीपी विधायक रोहित पवार ने दावा करते हुए कहा है कि एकनाथ शिंदे गुट के 10-15 विधायक खुश नहीं और शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के पास वापस लौटने के लिए तैयार है। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की यहां 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली बैठक के सिलसिले में रविवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। ठाणे जिले के कलवा में छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में 24 घंटों में कम से कम 17 मरीजों की मौत के कारणों की जांच की जा रही है। अस्पताल प्रशासन पर घोर लापरवाही का आरोप भी लगाया हुआ है। वेस्टइंडीज ने 5वें T20 में टीम इंडिया को 8 विकेट से हरा दिया। 25 महीने बाद भारतीय टीम कोई T20 सीरीज हारी है। रजनीकांत स्टार फिल्म जेलर अपने ओपनिंग डे से शानदार कारोबार कर रही है। फिल्म रिलीज के 4थे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। सनी देओल की फिल्म गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर तूफान बन गई है। वीकेंड पर तो इस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और पठान बाहुबली को भी इस फिल्म ने पीछे छोड़ दिया। हिमाचल प्रदेश के सोलन के जदौन गांव में बादल फटने की घटना के बाद 2 और शव बरामद होने से मरने वालों की संख्या बढ़ गई।